नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका R&R पाठशाला में। मैं आपके लिए लाया हूँ फिर से संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भाग 13। आपने मेरे भाग 1, 2, 3 से लेके 12 तक को सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र मेरे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि सब्सक्राइब में कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, अपने मित्रों को इन वीडियो को पहुँचाइए, उनको अनुरोध करिए कि इनको सब्सक्राइब करें। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, बस संस्कृत का प्रचार प्रसार हो यही मेरी इच्छा है और इन प्रश्नों का लाभ सबको मिले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। पहला प्रश्न है, यागादिरेव धर्म है, यागादिरेव धर्म है कहाँ से लिया गया है? तो यह है अर्थसंग्रह से। अर्थसंग्रह लोगाक्षी भास्कर की रचना है, उसमें इन्होंने धर्म का लक्षण बताया है, यागादिरेव धर्म है। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भाग, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भाग क्या है? यह विधि का लक्षण है। अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अर्थसंग्रह में ही मंत्र के जो वेद के जो पांच भेद बताए हैं उनमें से एक भेद है विधि, तो उसी का इन्होंने यहाँ पे लक्षण बताया, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। अगला प्रश्न है, श्रुत्यादि प्रमाण कितने हैं? श्रुत्यादि प्रमाण कितने हैं? तो इसका उत्तर है 6। श्रुत्यादि जो प्रमाण है वो कितने हैं? 6 है। अगला प्रश्न है, विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः, ये कौन होता है? विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः, तो यह होता है अधिकारी। ये अधिकारी का लक्षण है, विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिकारी। अधिकारी क्या है? अनुबंध चतुष्टय में जो चार भेद होते हैं अनुबंध के, उसमें अधिकारी, प्रयोजन, विषय, तो जो अधिकारी होता है उसमें चारों में से एक उसका भेद होता है, तो ये अधिकारी का लक्षण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी में कितने रस हैं? पृथ्वी में कितने रस हैं? तो इसका उदाहरण, इसका उत्तर है 6। पृथ्वी में 6 रस हैं। अगला प्रश्न है, सप्तपदार्थी रचना है, सप्तपदार्थी रचना है, तो इसका उत्तर है शिवादित्य। सप्तपदार्थी के रचनाकार कौन है? शिवादित्य है। अगला प्रश्न है, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां कः, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां कः, तो इसका उत्तर है प्रत्याहार है। प्रत्याहार जो है योग के 8 जो अंग बताए गए हैं उनमें से एक है। योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो ये 8 अंग है उसमें से पाँचवा जो अंग है प्रत्याहार, उसका लक्षण दिया हुआ है, स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहार है। अगला प्रश्न है, वस्त्रकृति शब्द में गीस प्रत्यय किस सूत्र से होता है? तो ये वस्त्रकृति शब्द में गीस प्रत्यय कृतात् कर्ण पूर्वात्, इस सूत्र से, कृतात् कर्ण पूर्वात् सूत्र से वस्त्रकृति शब्द में गीस प्रत्यय होता है, गीस। अगला प्रश्न है, महाभाष्य प्रदीप के रचनाकार हैं, महाभाष्य प्रदीप के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर है कैयट। कैयट जो है महाभाष्य प्रदीप के रचनाकार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य कितने भागों में विभक्त है? महाभाष्य कितने अध्यायों में विभक्त है? तो इसका उत्तर है 8। महाभाष्य जो है 8 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है, महाभाष्य पाणिनि के कितने सूत्रों की व्याख्या करता है? महाभाष्य जो है पाणिनि के कितने सूत्रों की व्याख्या करता है? तो इसका उत्तर है 1710। 1710 सूत्रों की व्याख्या करता है महाभाष्य। अगला प्रश्न है, सामवेद में कितने छंद हैं? सामवेद कितने छंद प्रस्तुत करता है? तो 2। कौन कौन से? गाथा और प्रगाथा। गाथा और प्रगाथा दो प्रकार के छंद प्रस्तुत करता है सामवेद। अगला प्रश्न है, हुम इससे प्रारंभ सामगान पद्धति है, हुम इससे प्रारंभ सामगान पद्धति है, तो इसका उत्तर है प्रस्ताव। प्रस्ताव जो है हुम शब्द से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, ओम से प्रारंभ सामगान पद्धति है, ओम, ओम से, तो यह है उद्गीत। उद्गीत जो है सामगान पद्धति है और यह ओम से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, चारण वैद्य शाखा संबद्ध है, चारण वैद्य शाखा जो है अथर्वेद से संबंधित, अथर्वेद की 9 शाखाएं हैं जिसमें जलद, जाजल, इस प्रकार जो चारण वेद्य है वह भी 9 जो शाखाएं हैं उनमें इनकी गिनती होती है, तो यह अथर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति क्या है?
व्युत्पत्ति क्या है? तो इसका उत्तर है कार्य कारण भाव ज्ञानम व्युत्पत्ति, कार्य कारण भाव ज्ञानम व्युत्पत्ति। व्याकरण के मध्य में पद होता है, व्याकरण के मत में पद क्या होता है? तो यह स्फोटात्मकम, व्याकरण के मत में पद स्फोटात्मक होता है। अगला प्रश्न है अस्मद शब्द में नह कितनी बार आता है? अस्मद शब्द में नह कितनी बार आता है? तो इसका उत्तर है 3 बार। कब कब? द्वितीय विभक्ति में, चतुर्थी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में 3 बार अस्मद शब्द में नह का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है अहन शब्द का प्रथम बहुवचन रूप है, अहन शब्द का प्रथम बहुवचन रूप बनता है। तो इसका उत्तर है अहानी, जो प्रथमा विभक्ति है उसके रूप चलते हैं अह अहनी अहानी, अहन शब्द रूप है ये, अहन शब्द रूप का तो अह अहनी अहानी, तो प्रथम बहुवचन में क्या बनेगा? अहानी। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का तीसरा तंत्र है, अर्थात पंचतंत्र में जो 5 तंत्र है उसमें तीसरे अध्याय का क्या नाम है? तो यह है काकोलुकीयम, काकोलुकीयम। पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की रचना है उसमें 5 तंत्र हैं, तीसरा का नाम है काकोलुकीयम, उसके जो 5 भेद हैं उनमें से तीसरे का नाम है। अगला प्रश्न है ईश्वर विलास किसकी रचना है, ईश्वर विलास किसकी रचना है? तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण भट्ट की, ईश्वर विलास जो है वो श्री कृष्ण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ के गुरु है, जगन्नाथ के गुरु कौन है? तो वह है वीरेश्वर। जगन्नाथ कौन? रस गंगाधर, जो कि महत्वपूर्ण रचना है साहित्य की, उसके रचनाकार हैं जगन्नाथ और उनके गुरु का नाम है वीरेश्वर। अगला प्रश्न है जगन्नाथ किस संप्रदाय के हैं, जगन्नाथ किस संप्रदाय के हैं? तो ये रस संप्रदाय के हैं। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, ये किसने कहा है? तो इसका उत्तर है जगन्नाथ ने। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, यह काव्य का लक्षण है और ये जगन्नाथ ने अपनी रस गंगाधर नामक रचना में कहा है। अगला प्रश्न है रत्नावली नाटिका का विदूषक है, रत्नावली नाटिका का विदूषक कौन है? तो इसका उत्तर है वसंतक। रत्नावली जो कि हर्षवर्धन की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 4 अंक है, उसका जो विदूषक है वह वसंतक है, वसंतक। अगला प्रश्न है दुर्वगाहा गतिर्देवस्य, दुर्वगाहा गतिर्देवस्य ये कहाँ से ली हुआ है? तो यह रत्नावली की सूक्ति है, दुर्वगाहा गतिर्देवस्य। अगला प्रश्न है रत्नावली के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? तो इसका उत्तर है शिव की, रत्नावली का जो मंगलाचरण उसमें शिव की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने पात्र हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने पात्र हैं? तो इसका उत्तर है 12 है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की एक महत्वपूर्ण नाटक है जो कि एक उत्कृष्ट नाटक माना जाता है जिसमें 7 अंक हैं, उसमें कुल 12 पात्र हैं, 12 पात्रों की चर्चा है। और अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंद हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने छंद हैं? तो इसका उत्तर है 24। अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है पंचक नक्षत्र है, पंचक नक्षत्र हैं तो इसका उत्तर है 5। कौन कौन से? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती, ये जो 5 नक्षत्र हैं ये पंचक के नाम से जाने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर से अनुरोध करूंगा मित्रों जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करना न भूलें, और आपके अगर कोई सुझाव हैं तो वो अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। धन्यवाद।